नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो टेक्नो हेल्पर हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप ओप्पो A33 मोबाइल में किसी भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कैसे आपको फॉन्ट को चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जो है एक थीम्स स्टोर के नाम से एप्लीकेशन होगी, तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना है आपको कि नीचे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ एग्री कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलता है फॉन्ट का, सबसे नीचे देखोगे तो फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है और जैसे ही फॉन्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से बहुत सारी फॉन्ट आपके पास आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सभी की सभी पेड हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री में कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्री फॉन्ट के लिए ऊपर लिखा हुआ है फ्री फॉन्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्री फॉन्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी फॉन्ट आपको मिल जाएंगी जो कि सारी की सारी फ्री हैं। अब जिस भी फॉन्ट को आप यहाँ से लगाना चाहते हो उसको यहाँ से लगा लीजिए। तो चलिए मैं किसी को अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ कौन सी मुझे लगाना है। तो ये वाली पर मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करोगे तो ये जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये पूरी डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद ये जो है आप अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये डाउनलोड हो चुकी है और अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो ये फॉन्ट जो है आपके मोबाइल में चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये फॉन्ट जो है चेंज हो चुकी है। चलिए मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ सेटिंग वेटिंग, जिससे कि आपको दिख जाए कि फॉन्ट चेंज हुई या नहीं हुई। तो मैं चलता हूँ अपने सेटिंग में, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ये फॉन्ट चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो फॉन्ट को चेंज कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से।